1 2 3 चेक, एक दो तीन चार छः, 11 A22 5G 11 बैंड के साथ आ रहा है, 11 बैंड के। और ये सुन सुन के मेरे कान इतने पक गए कि मैंने Note 2 का वीडियो छोड़ के सोचा पहले इसी को बनाया जाए। तो ये कोई हेट वीडियो नहीं है, हेट का टाइम भी नहीं है अपने पास, क्यों नहीं है? रुको जरा, सबर करो। मैं कहां दिख रहा हूं? इतना कंटेंट पड़ा है रिव्यू के लिए और बाकी वीडियो छोड़ के मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्यों? आपके लिए। हटा दूं अब? साफ साफ अच्छा लग रहा है। तो बातों का गुड़गोबर क्यों किया जा रहा है? देखो सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे सैमसंग के लेटेस्ट A22 के बारे में बात करना बनता है, क्योंकि हमने फोन के रिव्यू क्या छोड़े, लोगों ने बदमाशी शुरू कर दी, वो भी आपके साथ। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सैमसंग का लेटेस्ट A22 5G सुना ही होगा, क्योंकि चारों तरफ इसी का बोलबाला है और कहा जा रहा है 11 बैंड वाला फोन, फ्यूचर प्रूफ फोन, 5G फोन चाहिए। तो ये फोन सबसे कम प्राइस में बजट सेगमेंट के अंदर बेहतरीन फोन है, मिड रेंज के अंदर बेहतरीन फोन है। तो मतलब हर कोई अलग अलग बातें कह रहा है। अब थोड़ी मुद्दे की बात कर लेते हैं सीधी। सबसे पहली चीज, इस फोन में आपको जो स्टोरेज टाइप मिल रही है, कौन सी मिल रही है? EMMC स्टोरेज, जो आपको In2B 8000 रुपए वाले फोन में देखने को मिल रही है। तो क्या 20000 रुपए का फोन डिजर्व करता है EMMC स्टोरेज को? दूसरी चीज, अब सैमसंग का जो वन UI होता है वो काफी ज्यादा फेमस है, उसी के लिए फोन खरीदते हैं। तो इसमें वन UI कोर 3.1 मिल रहा है, जो कि आपको M सीरीज में देखने को मिलता है। मतलब आप A सीरीज, जिसको प्रीमियम कहा जाता था कि आपको थोड़े बहुत प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, उसमें आपको मतलब बिल्कुल ही टुच्चे वाला वन UI कोर मिल रहा है। इट डजंट मेक अ सेंस। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तीसरी चीज, एक्सेप्ट कर सकते हैं इस चीज को कि डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर है और सैमसंग की ब्रांड वैल्यू है, महंगे फोन आते हैं तो ये प्रोसेसर दिया है। लेकिन ये आपको अदर ब्रांड्स, जिनको आप चाइनीज भी बोलते हो, मैं यहाँ पे फेवर नहीं ले रहा हूँ, मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ। क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैंने Redmi Note 10 को सैमसंग गैलेक्सी F62 के साथ कंपेयर कर दिया था, तब आपने कहा कि सैमसंग क्या है, Redmi क्या है। मैं यहाँ वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेक्स की बात कर रहा हूँ। तो 700 प्रोसेसर आपको 12-13 हज़ार रुपये की रेंज में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ 20,000 में मिल रहा है। चलो ब्रांड वैल्यू है, लेकिन सैमसंग की एमोलेड डिस्प्ले भी गायब है इसके अंदर, और यहाँ पे कोई IPS LCD भी नहीं है, डायरेक्ट TFT। मतलब इन्होंने ऐसे फेंक के मारा 6-7 साल पीछे और 90 Hz का रिफ्रेश रेट दे दिया। और कुछ चैनल पे ये कहा जा रहा है कि ये मुझे स्पेक शीट देख के पता चला कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, TFT डिस्प्ले है, और ये काफी ज्यादा जबरदस्त है। क्या भाई, क्या चल रहा है? मतलब कुछ भी कहोगे, एमोलेड और TFT में आपको डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा। अगर आप हजारों फोन रिव्यू कर चुके हो, हजारों नहीं 100 भी कर लिए हैं, तो आप एमोलेड TFT IPS में ऐसे चुटकियों में डिफरेंस बता दोगे। और कहीं कहीं ये भी सुनने को मिल रहा था कि ये डिवाइस दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम है, मतलब प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बैक और काफी ज्यादा प्रीमियम है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? ग्लास बैक होती और प्लास्टिक का फ्रेम होता, एक बार मान सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैक प्रीमियम, और इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन फास्ट चार्जिंग मिलती है 15 वोल्ट की। मतलब 2021 का मिड चल रहा है, 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, वो भी 20,000 रुपए में। मतलब 8-9 हज़ार रुपए वाले फोन आ रहे हैं जो आपको अराउंड 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दे दे रहे हैं, और ये 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। और बची कुछ ही बात रही कि 11 बैंड इसके अंदर मिल रहे हैं, मैं आपको एक चीज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, EMMC स्टोरेज जो होती है, ये 6-7 महीने में इसके गुर्दे फट जाते हैं। मतलब जब आप ठीक ठाक इस पर लोड डालोगे, गुर्दे फट जाएंगे, और इसकी कोई औकात नहीं रहेगी एक साल बाद कि आप इस पर 5G यूज कर पाओ, क्योंकि 5G यूज करने के लिए आपका फोन भी स्मूथ होना चाहिए। जब आप ब्राउजर ओपन करोगे और वो ऐसे झटके ले लेके ओपन करेगा, YouTube ऐसे झटके ले लेके ओपन होगा, तो क्या करोगे ऐसे 5G का? तो 11 बैंड के नाम पे सिर्फ आपका बैंड बजाया जा रहा है, और अगर आपको बैंड बजवाना है तो 20,000 रुपए खर्च कर दो। अदरवाइज 20-22 हज़ार रुपए की रेंज में यार सैमसंग में अच्छे ऑप्शन है 4G डिवाइसेस में। सैमसंग का F62 है, M सीरीज के भी काफी अच्छे फोन है, और अदर ब्रांड्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप Realme लो, Redmi लो, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं करता, मार्क माई वर्ड, सारे बिल्स है मेरे पास और आपको पता रहता है, क्योंकि वीडियो हमेशा लेट आती है, सारा खरीदना ही पड़ता है, अटरम सटरम। लेकिन बात यह है कि यार आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको घुमा फिरा के बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप खुद भी देखो,
कौन सी चीज किस प्राइस रेंज में सेट बैठती है आपको भी थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है जब आप रेगुलर वीडियोस देखते रहते हो। इतना नहीं देखते, अरे एक ट्रू डैगी चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर लो, वहां पे सारा ज्ञान मिल जाएगा। और आज का सबसे बड़ा जोक कि TFT डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले की इक्विवेलेंट हो गई, वो भी सैमसंग वाली। तो चलिए खत्म करते हैं आज के वीडियो को। लाइक वीडियो, कमेंट वीडियो, शेयर वीडियो, नीचे इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।